कि भोजपट्टी में जब से देश आजाद हुआ है तब से कभी रोड नहीं बना है। उस महिला को करंट लगने की वजह से रोड नहीं है गांव में, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। यहां दरभंगा के भोजपट्टी मचगामा पंचायत क्योटी के क्याम चौक में सड़क नहीं होने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। भोजपट्टी में कोई भी स्कूल नहीं है, भोजपट्टी की बेटी पढ़ाई तक छोड़ चुकी है। इतने के बावजूद भोजपट्टी के एक इंजीनियर लंदन में रहते हैं और यहाँ का हाल देख रोने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि आज़ादी के बाद उन्होंने इस गांव में सड़क नहीं देखा है, यहाँ तक कि आज़ादी के बाद अब तक कोई सरकारी सुविधा उन तक नहीं पहुँची है। उन लोगों का कहना है कि सांसद रोड के नाम पर वोट लेते हैं, यहाँ से जीतने के बाद वह इस पंचायत को जानना तक जरूरी नहीं समझते। वहीं मसीहा बनकर आए समाज सेवी पिंटू खान ने कहा, अब इस गांव का रोड जरूर बनेगा, अब यह सिर्फ और सिर्फ गांव के लोगों की लड़ाई नहीं है, यह आर पार की लड़ाई है। सड़क बनवाने के लिए समाज सेवी पिंटू खान कई जगह आवेदन भी दे चुके हैं, जिला अधिकारी, सांसद, मंत्रालय, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया है। अब वह गांव के लोगों को उसका हक दिलाने के लिए हर हाल में तैयार हैं। हालांकि खबर चलने के बाद अब लोगों तक यह आवाज़ पहुंची है और कई पत्रकारों ने आकर इस क्षेत्र को कवरेज करना शुरू कर दिया है। अब पंचायत के लोगों को उसका हक दिलाने के लिए सभी एकजुट हो गए हैं। ग्रामीण का कहना है कि आज़ादी से लेकर अभी तक इस गाँव में, इस पंचायत में सरकारी योजना नहीं आया, तो बहुत शर्म की बात है। आजादी से लेकर अभी तक इस गांव में, पंचायत में कोई सरकारी योजना नहीं आया, जबकि सरकार के पास योजना भरा पड़ा हुआ है ग्रामीण, और इस लड़ाई को खत्म करेंगे हम। यहां तक करके इस गांव का समस्या लेकर के ग्रामीण कुछ हमें हमसे मिले थे, तो हमने जिला अधिकारी को भी पत्र भेजा हूं, सांसद पूर्णिया पप्पू यादव जी को भी मैंने पत्र उनके हाथ में दिया हूँ, और ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी मैंने पत्र भेजा हूँ, और चीफ मिनिस्टर के पास भी मैंने, मुख्यमंत्री के पास भी पत्र भेजा हो। अब मैं इस समस्या को इस गांव तक नहीं रहने दूंगा, इस समस्या को लेकर पटना जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, कार्यालय में, आवास पे जाके कुछ ग्रामीण को भी मैं साथ में लूंगा और चीफ मिनिस्टर से वार्ता करूंगा। इस ग्रामीण का जो समस्या है, दर्दनाक समस्या है, रोड की समस्या ही नहीं बल्कि स्कूल बोल रहे हैं उसकी कमी है, बिजली का कमी है, और एम्बुलेंस होना चाहिए। अब इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया, भारत कहाँ से कहाँ निकल गया, अभी भी बिहार का एक छोटा सा गांव, भोजपट्टी गांव, जो पिछड़ा हुआ है। सरकार बोलती है कि सब पिछड़ा गांव को हम डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे, स्टार्टअप इंडिया बनाएंगे। यही स्टार्टअप इंडिया है जो आज भी भारत देश के अंदर में एक बिहार का एक ऐसा गाँव जहाँ रोड नहीं है लोगों को सही से चलने के लिए, स्कूल जाने के लिए बच्चा के पास रास्ता नहीं है, कोई पेशेंट इमरजेंसी घटना हो जाती है, कोई डिलीवरी से है, आदमी मर जाता है, उसको रोड नहीं है। तो ऐसा भारत में हम लोग रह रहे हैं, आप चाइना जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, भारत डेवलप कर रहा है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, कहाँ है इंडिया? इंडिया का आज भी बुरा हाल है, ये तो इंडिया ही ना है, बिहार का एक छोटा सा गाँव भाजपट्टी, ये भी भारत देश के अंदर में है। कहते हैं हम इंडिया में एक एक आदमी अरबपति है, खरबपति है, डेवलपमेंट की तरफ है, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ नहीं है। आप जनरल नॉलेज उठा के देख लीजिए, भारत में सबसे गरीब और पिछड़ा स्टेट बिहार माना जाता है, अब बिहार में भी सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब गांव भोजपट्टी गांव है, जहां आज भी रोड नहीं है, आज भी स्कूल नहीं है, आज भी बिजली की कमी है। तो मैं सरकार से आपके चैनल से बता देता हूँ कि अब लड़ाई आर पार की होगी, मैं सरकार को घेरने का काम करूंगा, एक एक मंत्रालय में जाऊंगा, और इस गांव में मैं वादा करता हूं ग्रामीण से कि इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा और इस गांव वाले को रोड बनवा के दूंगा सरकार से। बस आपके चैनल से ही कहना चाहूंगा, परिचय दीजिए अपना। पिंटू खान, समाज से भी, 2025 में विधायक प्रत्याशी हो क्योंकि विधानसभा से। हम तो बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि ये सरकार, ये जो जमीन, ये जो रास्ता है ऐसे का ऐसा ही है। हम खुद अपना पैसा खर्च करके 200 टेलर मिट्टी यहाँ भरवा चुके हैं, लेकिन वो भी सब नदी में जा चुका है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी ठीक होगा ही नहीं, सपना टूट गया। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बचपन से हम देख रहे हैं कि ऐसा कैसा ही है। अब तो 50 साल के हो गए, हम लंदन में रहते हैं। बताइए, आप लंदन में रहते हैं, लंदन की सड़क के बाद अपने गांव आते हैं, चाहते हैं कि सड़क बन जाए, गांव वालों को तो सुविधा हो, गांव वाले इनका यूज कर सके, सब जगह बन चुका है, सिर्फ यहाँ पे इतना नहीं पड़ा है,
इतना दूर, उसकी वजह से स्पेशली भोजपट्टी वाले बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। आप लंदन में क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाजपट्टी पंचायत से, भोजपट्टी गांव से। गांव में सड़क नहीं, उस गांव का आदमी लंदन में है, लेकिन सरकार की नजर आपके सड़क पर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल आपकी आवाज पर भी नहीं। हाँ, वो बात समझते हैं। एक सरकार का थोड़ा सा, ये सरकार थोड़ा सा चाहता अगर ध्यान दिया होता तो होता, अगर ये तो है। आप तैयार हैं? हाँ, जमीन देने को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी आप ही के सामने से शुरू है। ये दीवार कब ढह जाएगा कुछ पता ही नहीं है ना। सबसे ज्यादा तो आप पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर जमीन जरूरत पड़ी तो हम देंगे। क्या नाम हुआ अपना परिचय? नरेंद्र कुमार यादव। बोलिए, क्या कुछ समस्या है एक युवा होने के नाते? अब तक आपने बिहार में कई जगह गए होंगे जहाँ सड़कें मिली होंगी, फिर आपको अपनी सड़क याद आती होगी, कैसा महसूस करते हैं? हम लोगों को बहुत कष्टदायक जिंदगी महसूस होता है। हम लोगों का बस सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोगों को रोड बना दिया जाए, उसके बाद जो भी रोड रहेगा तो जितना भी सरकारी योजना आता है सब आएगा। रोड न होने की वजह से यहाँ पर जो है सो बहुत ज्यादा दिक्कत को सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, स्कूल जाते वक्त पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद यहाँ का सांसद जो है वोट लेने के में ले लेता है, विधायक भी वोट ले लेता है, उसके बाद बोलता है हम इस गांव को जानवे नहीं करते। सांसद जो अशोक यादव मंदिर में भाषण दे रहे थे, बोले कि वोट लेने वेर में आते हैं गांव में, उसके बाद बोलते हैं कि हम भोजपट्टी को जानवे नहीं करते हैं। मतलब ऐसा सांसद जो है बिहार में, यही कोरिया ऐसा सांसद है नालायक, जो कि आज तक जो है इस गाँव में पूरा केवटी मधुबनी पर लोकसभा में जितना भी अथी है ना सब में रोड हो गया, मगर ऐसा नालायक सांसद का क्षेत्र ही गाँव है। इसमें जो नालायक सांसद और नालायक विधायक जो इस गाँव का देखना नहीं चाहते हैं, सीधे बोलते हैं कि इस गांव से हमको वोट नहीं आता। तो हम लोग को यही उससे मांग है कि या तो रोड बनाया या तो आप लिखित करके दीजिए कि हम यहाँ का सांसद नहीं है, सिर्फ वोट लेने के बारे में आते हैं बस, उसके बाद चले जाते हैं। क्या नाम हुआ? विकास कुमार।